चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग, मतलब जो हमारी फ्रिज होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक भाग होते हैं, चाहे कंप्रेसर हो, थर्मोस्टेट हो, डोर स्विच हो, बल्ब हो, रिले हो, ओएलपी हो, ये जो सारे इलेक्ट्रिक भाग होते हैं उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और ये जो सारे भाग हैं वो कहाँ पर लगे होते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली भी उसको देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं वो कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे, बिल्कुल जीरो से समझेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, देखिए प्रैक्टिकल के साथ। और यहाँ पर जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, चाहे हमें मल्टीमीटर से चेक करना हो तो भी हम कर सकते हैं, चाहे हमें कंटिन्यूटी टेस्टर से करना हो तो भी कर सकते हैं, चाहे हमें सीरीज से करना हो तो भी करेंगे, हम तीनों तरीकों का यहां पे यूज करेंगे। और बताएं सबसे पहले देखिए हम चेकिंग करेंगे तो कंप्रेसर मोटर की चेक करेंगे। सबसे पहला हमारा जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये कंप्रेसर। देखिए हमारे पास एक कंप्रेसर हमने ये दोनों साइड में रखा है, ये कंप्रेसर, ये तीसरा। और ये जो कंप्रेसर दिख रहा है ना, ये फ्रिज में प्रयोग होने वाले कंप्रेसर है। और कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। फ्रिज में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर में तीन पिने होती हैं, हाई देख रहे हैं, तीन पिने, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इसी को चेक करना हम सीखेंगे कि इसमें कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है, या फिर ये कंप्रेसर जल तो नहीं गया, ये कंप्रेसर खराब तो नहीं हो गया। तो इन्हीं सब को हम चेक करेंगे बारी बारी से। देखिए सबसे पहले बताएं कंप्रेसर को चेक करने के लिए हमसे सबसे अच्छा तरीका हमारा यही है, डिजिटल मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर से कंप्रेसर को हम बहुत ही बारीकी से चेक कर सकते हैं। देखिए अगर सीरीज से चेक करेंगे तो बल्ब क्या है, कहीं पे कम जलेगा, कहीं पे तेज जलेगा। तो जो ये कम और तेज जलता है ना, कभी कभी ये इतना थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हमारी आंखें उसको समझ नहीं पाती कि ये कम जल रहा है कि तेज जल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं तो इसमें नंबर बताएगा, दिखाएगा, और जब नंबर दिखाएगा तो 16 दिखा रहा है, 17 दिखा रहा है, तो हमें अच्छा डिफरेंट पता चलेगा, अच्छा 17 बड़ा है और 16 कम है, ये पता चल पाएगा। तो इसलिए हम यहां पे जो यूज करने जा रहे हैं, सबसे पहले कंप्रेसर की चेकिंग में हम डिजिटल मल्टीमीटर को चेक करेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा कंप्रेसर के तीनों पिनों को चेक करेंगे। अब देखिए ये कंप्रेसर की तीन पिने हैं, इसमें एक होती है कॉमन, एक होती है रनिंग और एक होती है स्टार्टिंग। कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है, ये अभी हमें कंफर्म नहीं पता है। इसमें देखिए ये जो तीनों पिने होती है ना, इन पिनों को मिलाकर के हम बोलते हैं ये टर्मिनल पॉइंट है, यानी कि कंप्रेसर में जहां पे सप्लाई दिया जाता है उसे टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे नजदीक से दिखाइए, यहाँ पे देखिए जैसे ये कंप्रेसर मोटर है ना हमारा, ये हमारा देखिए कंटिन्यूटी है, इसको हम निकाल लेते हैं, इसी के द्वारा करेंगे चेक। तो ये जैसे हमारा है, ये इसमें देखिए ये एक पिन इसमें नीचे है, ये दूसरी पिन है, ये तीसरी पिन, तीन पिन है इस प्रकार से। लेकिन यही बगल में हमारा ये दूसरा कंप्रेसर देखिए, इसमें ये जो पिने हैं देखेंगे, एक ऐसे नीचे दो दो पिने हैं और ऊपर एक पिन है, यानी अलग अलग है ना, यानी कि यहां पे देखिए इस पिन में और इस पिन में दोनों में डिफरेंट है, यानी कि इसमें ये एक पिन जो अकेली है वो नीचे है और इसमें जो है वो ऊपर की तरफ है। तो यहां पर देखिए चाहे कंप्रेसर में कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, कौन सी पिन कहाँ है, ये हमें कोई जरूरी नहीं कि नहीं ये फिक्स होती है, दाहिने रनिंग है, बाएं स्टार्टिंग, कॉमन नीचे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं पर भी हो उसको हम चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए चेक करने के लिए चलिए मल्टीमीटर का यूज करते हैं। मल्टीमीटर हमारा ये है, ये डिजिटल मल्टीमीटर मार्केट में 120-130 रुपए के आसपास मिल जाता है। अब देखिए इसको ऑन कहां करना है, ये सबसे ऊपर के पॉइंट पे ऑफ है, इसमें डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है, इसको एक पॉइंट पे ऑन करेंगे, यहां पर देखिए यहां पे वोल्टेज है एसी का, इसको सबसे नीचे ऐसे ऑन करते जाएंगे और सबसे नीचे पूरा सीधा सीधा नीचे कर लेंगे और नीचे के एक पॉइंट पहले, कंटिन्यूटी पॉइंट होता है यही, नीचे के एक पॉइंट पहले यहां पे देखेंगे ऐसे स्पीकर का सिंबल बना होता है और ये कंटिन्यूटी पॉइंट होता है, मतलब यहां पे ये कंटिन्यूटी बताता है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कंटिन्यू जा रही कि नहीं जा रही, यहां पे ऑन करने के बाद ये सही जगह पे ऑन हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो डिस्प्ले में एक नंबर शो करेगा, दूसरी बात ये जो दोनों तार हैं, देखिए ये तार जो लगाने ऊपर वाले में नहीं नीचे के दोनों में लगाने, ये जो दोनों तार हैं अगर इन दोनों तारों को हम आपस में टच कराते हैं तो इससे वीप की आवाज आती है, इससे ऐसे टी की आवाज आती है, और ये जो आवाज आती है ना ये पूरे मल्टीमीटर में सिर्फ एक ही जगह आती है जहां पे ये साउंड का है, यानी इसको ऑन करने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को टच करवा लीजिए और इसको घुमा के ऑन करते जाइए और जहां पे इसमें से वीप की आवाज आना शुरू हो जाए, समझिए सही जगह पे ऑन हुआ है, एकदम नॉर्मल है ना कि जहां पे ऑन करना है वहां पे वीप की आवाज आती है और वीप की आवाज सिर्फ एक ही जगह आती है, यही कंटिन्यूटी पॉइंट होता है और इसी पॉइंट का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं, यानी कि कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाइट कंटिन्यू जा रही है कि नहीं जा रही है। अब चलिए
कंप्रेसर को चेक करना है। कंप्रेसर में दो चीज हम चेक करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे कि इसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है, ये कंफर्म होगा। जब ये कंफर्म होगा तो जानते हैं उसी चेकिंग के साथ हम ये भी चेक कर पाएंगे कि ये मोटर सही है कि नहीं सही है, इसका मोटर कहीं जल तो नहीं गया। वो हम कैसे चेक कर पाएंगे, देखिए इसमें पहली बात तो अगर नंबर कुछ बता रहा है, कुछ भी नंबर अगर बता रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी मिलेगी तभी ये बताएगा। और अगर किसी पिन पर रखने पर इसमें कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बता रहा है, जैसे अगर ये एक नंबर शो कर रहा है और एक ही नंबर रह जा रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, मतलब बाइंडिंग अंदर से खराब है, मतलब जल चुकी है या कोई तार वगैरह इसमें कहीं टूट चुका है, अलग हो चुका है, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं। जैसे देखिए ये मल्टीमीटर के हमारे दोनों पॉइंट है, देखिए ये जैसा ब्लैक कलर का पॉइंट देख रहे हैं ना, रेड वाले में भी वैसा होता है, लेकिन इसमें से टूट चुका है, नहीं है। इसको हम टच करवा के देखते हैं, मल्टीमीटर से टी की ऐसे आवाज आती है। चलिए ठीक है, यहां पर देखिए दिखाई, ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले भी दिखना चाहिए, ऐसा करिए, और यहां पर ये हमारा दिखे, ये पिने, तीनों पिनों देखिए, यहां पे तीनों पिन है। सबसे पहले हम नीचे के एक पिन पर एक तार को रख लेते हैं, नीचे के एक पिन पर, ऊपर यहां दो पिन है, दोनों पे रख करके हम बारी बारी से चेक करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए यहां पर कितना आया, 14 देख रहे हैं ना, और यहां पे आ गया ना 14-13। देखिए अगर किसी पे बढ़िया से रखेंगे तो ये सही बताएगा, नहीं तो नंबर घटता बढ़ता रहता है। 13 बता रहा है यहां पे, इसको उठा लेते हैं हम, दूसरे वाले पे रखते हैं, यहां पर रखने पे देखिए कितना बता रहा है, 18-17 देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंट है ना, कि इस पे 17 बता रहा है और इस पे 14 बता रहा है, इन दोनों को तो हमने चेक कर लिया। अब इसको हम चेक करते हैं, देखिए इस पे कितना बताता है, देखते हैं अभी यहां पे कितना बताता है, देखिए अभी यहां पे कितना बता रहा है, 29 कितना बता रहा है, 29। तो सबसे ज्यादा कहां बता रहा है, एक जगह 14 बताया, एक जगह 29 बता रहा है, और एक जगह 19 के करीब बताया था, तो सबसे ज्यादा कहां बता रहा है ये कंफर्म करना है। अब देखिए सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पे बता रहा है ना, मतलब ये जो दोनों ऊपर की पिन है, देखिए यहां पे सबसे ज्यादा क्या है, ये 30 यहीं पे बता रहा था ना, देखिए एक आध पॉइंट ये घटता बढ़ता रहता अगर बढ़िया से टच नहीं होगा तो। यहां पे देखिए ये सबसे ज्यादा बता रहा है 29। तो ये कंप्रेसर की चेकिंग का हमारा नियम है कि जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा, यानी इस समय जिन दो पिनों पे सबसे ज्यादा बता रहा है, उन दोनों को छोड़कर जो तीसरा बचेगा वो कॉमन का होगा। तो यहां पे ऊपर ऊपर सबसे ज्यादा है 29 बता रहा है, और अब अगर ऊपर ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो बचेगा का है नीचेवा, एक थे अकेले ही तो बचेगा ना, और ये जो अकेले बचा ये कॉमन का हो गया, यानी कि मल्टीमीटर के दोनों तारों से कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे, और जिस दो पिनों का मान सबसे ज्यादा बताएगा, देखिए सबसे ज्यादा बता रहा है, उन दोनों पिनों को छोड़कर जो तीसरी पिन बचेगी अकेली वो कॉमन की होगी। और जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए, देखिए इसमें कॉमन नीचे हो गया, ये कंफर्म हो गया, जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए ना, तो अब क्या जानना है कि इसमें रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीमीटर के एक तार को कॉमन पे रख लेंगे और दूसरे तार से ये दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में एक पिन का मान देखेंगे अधिक बताएगा, देखिए ये कितना बता रहा है, 13 बता रहा है, ये दूसरे वाले पे देखते हैं कितना बता रहा है, देखिए 17 बता रहा है। तो इस अवस्था में जिस पिन का मान अधिक बताएगा, इस अवस्था में जिस पिन का मान अधिक बताएगा वो स्टार्टिंग का होगा, और जिसका मान कम बताएगा वो रनिंग का होगा। अब समझिए ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे मान अधिक क्यों बताता है, क्योंकि आप मोटर वाइंडिंग में सीख चुके हैं कि किसी भी मोटर में अगर टर्न की संख्या जहां पे अधिक होगी वहां पे अधिक नंबर बताएगा, और टर्न की संख्या कम होगी तो वहां कम बताएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के हिसाब से बताता है, दूरी बढ़ने पर नंबर अधिक और दूरी के कम होने पर नंबर कम बताता है, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। तो कंप्रेसर को चेकिंग में हमने क्या समझा कि सबसे पहले तीनों पिनों को बारी बारी से इधर उधर रख करके चेक करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहां बता रहा है, तो जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कॉमन की होगी, जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कॉमन की होगी। जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए तो हमने क्या किया कि एक तार को कॉमन पे रख दिया और दूसरे तार से दोनों को बारी बारी से चेक किया, तो हमने देखा कि एक का मान यहां कम बता रहा है और दूसरे का अधिक बता रहा है, मतलब एक का मान यहां 14 बता रहा है और दूसरे का 17 बता रहा है, तो जिसका मान 17 बताया मतलब अधिक है, मतलब वो स्टार्टिंग का है, और जिसका मान कम बताया मतलब वो कम है, मतलब वो रनिंग का है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को चेक कर लेते हैं। और
अगर कंप्रेसर को चेक करते समय किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, मतलब नंबर नहीं बता रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी जो बाइंडिंग है वो खराब है, या तो जल चुकी है या तो कोई कनेक्शन टूट चुका है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें खराबी है। और कोई भी खराबी हो जाए ये कंप्रेसर मोटर बनता नहीं है, रिपेयर नहीं होता है, हम इसको चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि जब हम कंप्रेसर को चेक कर लेते हैं, चलिए एक दूसरा चीज हमारा है, ये है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? देखिए, कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये हमने अभी देखे थर्मोस्टेट दूसरा लेकर क्या है, ये सिर्फ समझाने के लिए। और ये जो थर्मोस्टेट है देखिए वर्लपूल कंपनी का है, और ये गोदरेज का भी ऐसा ही लगभग आता है, उसमें कुछ पिनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन संख्याएं वही होती हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर इसकी पन्नी को हम खोल देते हैं और यहाँ से इसके हम कवर को निकाल लेते हैं। और ये देखिए इसके अंदर है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में देखिए ये क्या क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं, यही है इसमें, देख रहे हैं, ये इसको कवर को ऑन ऑफ करने के लिए, ये स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए, इसके ऊपर एक और रेड कलर का ढक्कन की तरह आता है, लग रहा है इसमें दिया नहीं, यार देना चाहिए इसमें भी, और पन्नी में तो हमने निकाला नहीं, ये इसमें नहीं दिया है। तो अगर इसमें नहीं दिया है तो जो फ्रिज में निकलेगा पहले वाला थर्मोस्टेट उसका ढक्कन इस पर लगा देंगे, ये हमारा तरीका है। अच्छा, थर्मोस्टेट है, ये क्या है, थर्मोस्टेट स्विच। इसका कार्य क्या होता है, ये कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब अगर फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा करती है, ऑटोमेटिक सप्लाई को ये कट कर देता है। मतलब अगर फ्रिज चल रही है, चलते चलते बहुत ज्यादा ठंडा किया, मान लीजिए कि आपने दाल रखा फ्रिज में और दाल को जमा के एकदम बर्फ बना दिया, अब क्या होगा, अब पीस पीस मिलेगी ना फोड़ फोड़ करके, मतलब वो हार्ड हो गया। तो हमें ज्यादा कूलिंग भी तो नहीं चाहिए होती है, ऐसा मत समझिए नहीं, कूलिंग तो सर हमें बहुत ज्यादा कूलिंग चाहिए होती है, हम तो चाहते हैं कि फ्रिज हमारी ज्यादा से ज्यादा ठंडा करे, तो ऐसी बात नहीं है। फ्रिज को नॉर्मल ठंडा करवाना होता है, बहुत अधिक ठंडा हर चीज नहीं करवाया जा सकता। जैसे मान लीजिए आप पानी रख रहे हैं, आप जमाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन कम ठंडा करना चाहते हैं तो तब इस थर्मोस्टेट का यूज करना पड़ेगा। ये थर्मोस्टेट स्विच है, इसका कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करवाना होता है, किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं। जैसे हमारे बोर्ड के अंदर स्विच होती है ना, बोर्ड के अंदर स्विच, तो हम क्या करते हैं कि बोर्ड वाली स्विच में भी हमारे दो पॉइंट होते हैं, एक से इन करवाना है और दूसरे से आउट करवाना है, किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं। उसी प्रकार से ये थर्मोस्टेट स्विच है, इसमें दो पॉइंट है, एक से इन दूसरे से आउट करवाना है। देखिए थर्मोस्टेट को हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। इसकी दो चेकिंग है, एक तो इलेक्ट्रिक चेकिंग है, एक मैकेनिकल चेकिंग है। इलेक्ट्रिक चेकिंग हम करके दिखाते हैं, देखिए इसको सीरीज से भी हम चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर से भी हम चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी है, देख रहे हैं, ये सबसे आसान तरीका है, इसके द्वारा अगर चेक करें, हां इस मल्टीमीटर के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाते हैं, इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पर ही ऑन रहने देंगे, इसके मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट पे देखिए यहां पे ये हमारा ढक्कन इसका निकल गया, इसको हम लगा देते हैं इसी में, ताकि यहां से हम ऑन करेंगे ना अभी, तभी तो बताएगा। अब देखिए ये अभी जो हमारा ये थर्मोस्टेट है ये ऑफ के पोजीशन पे बंद है, मतलब देखिए कोई भी स्विच ऑन होती है तो कैसे होती है, जो घड़ी की दिशा होती है ऐसे, अगर इस तरह से हम घुमाते हैं तो ये ऑन होती है, और इसको हम पीछे घुमाते हैं तो ये बंद होती है, तो ये बंद है इस टाइम। अब हम बंद करके क्या कर रहे हैं, इसके दोनों पॉइंटों पर रख रहे हैं, मल्टीमीटर के एक तार को किसी एक पर और दूसरे को दूसरे पर रख रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, देख रहे हैं ये डिस्प्ले में कुछ नंबर बता रहा है, नहीं बता रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, मतलब एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट पे नहीं जा रही है, मतलब इसका अवस्था में कंप्रेसर मोटर हमारा नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्विच को ऑन कर देते हैं, क्या करते हैं, इसकी स्विच को ऑन कर देते हैं। अब देखिए जब हमने इसको ऑन कर दिया, अब क्या करेंगे, एक तार को एक पे रखेंगे और दूसरे से दूसरे पे रखेंगे। इस अवस्था में देखिए मल्टीमीटर में कुछ कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब इससे यह पता चल रहा है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, बस यही समझना है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, और अगर जा रही है तो इस थर्मोस्टेट को हम मानते हैं कि 50% सही है, लेकिन 100% नहीं, 50% सही है। अब देखिए ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है, देख रहे हैं पीछे वहां पूंछ है ये थर्मोस्टेट की, देखिए इसको अगर हम खोले तो ऐसे पतली सी लंबी हो जाएगी, देखिए ये इस प्रकार से, ये बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये लगा कहां होता है, ये एवापोरेटर में टच होता है, एवापोरेटर में। देखिए हम इसको पूरा खोल करके आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी बड़ी है ये थर्मोस्टेट की पूंछ, और ये जो देखिए ये व्हाइट कलर का ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ये पीवीसी लगा हुआ है, लेकिन लास्ट में वो नहीं लगा हुआ है, और इसका आखिरी मुंह को अगर आप देख पाए यहां पे, देखिए यहां पे तो ये बंद है, इसका ये जो आखिरी मुंह है ना यहां पे देखिए ये बंद है, ये जो पतली
सी पाइप आपको दिख रही है ना, इसके अंदर एक गैस होती है, उस गैस का नाम होता है SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इसी पाइप के अंदर होती है। और कभी ये पाइप अगर टूट जाए या फिर आपको लगे कि अगर गैस इसमें से निकल जाए तो क्या होगा, तो गैस नहीं इसमें भरा जाएगा, सीधा सीधा ये थर्मोस्टेट हमें दूसरा लगाना होगा। मार्केट में 150 रुपए का है, अभी हम लेकर के आए, लेकिन ये हमारे मार्केट का रेट है। देखिए कोई भी चीजों का अगर हम रेट बताते हैं ना तो अपने मार्केट का बताते हैं, ये रेट हर जगह अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट स्विच क्या कार्य करती है, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसमें दो पॉइंट है, एक से इन दूसरे से आउट करवाना, हमने मल्टीमीटर से चेक करके दिखाया। जैसे अगर इसको हम कंटिन्यूटी से चेक करें, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूटी से इसको अगर हम चेक करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें जैसे एक पॉइंट पे हमने रखा, दूसरे पर रखा, देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, ये कंटिन्यूटी टेस्टर समझते हैं ना, दोनों को अगर हम टच करवाएंगे तो इसके अंदर रेड कलर की लाइट जलती है। तो अगर इस अवस्था में हम दोनों पे देखिए रख रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, थर्मोस्टेट ऑन है, मतलब एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट तक जा रही है बिल्कुल आसानी से। और ऐसे हम इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दिए, अब देखिए क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइट जा रही है, नहीं जा रही है, देखिए टच करवाने के बाद भी नहीं जा रही है, तो यहां से हम टच करवाएंगे तो जा रही है, मतलब आउट हो रही है। तो ये थर्मोस्टेट है, हमने इलेक्ट्रिक चेकिंग तो ऐसे कर लेंगे। अब रही बात मैकेनिकल चेकिंग की, कि क्या ये थर्मोस्टेट अधिक कूलिंग होने पर सप्लाई को कट कर पाएगा, क्या ये थर्मोस्टेट अधिक कूलिंग होने पर सप्लाई को कट कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो हम चेक करना चाहते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखिए हमारे पास तो अभी यहां पे बर्फ का टुकड़ा वगैरह नहीं है, आपको क्या करना होगा, इसके लिए बर्फ का टुकड़ा लेना होगा। देखिए वैसे हम अधिकतम बताएं मिस्त्री लोगों के लिए तो कोई इसकी मैकेनिकल चेकिंग करता नहीं है, सीधा सीधा अगर ये इलेक्ट्रिक चेकिंग सही है तो उसको लगा देते हैं, और खराब है तो उसको बदल देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम हर हाल में चेक ही करना चाहते हैं तो वो आपको समझाते हैं, ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है, ये पतली सी पाइप है, इसको क्या करना, बर्फ के टुकड़ों में डाल देना है। अब यहां पे हम चाहे सीरीज से चेक करें, चाहे मल्टीमीटर से, चाहे कंटिन्यूटी टेस्टर से, इससे हम चेक करेंगे। अगर जब तक ये सप्लाई आउट करता रहेगा ये बल्ब जलता रहेगा, जैसे ही थर्मोस्टेट का टेम्परेचर इसका ठंडा अधिक होता है, कूलिंग अधिक होती है, थर्मोस्टेट से किट की आवाज आती है और थर्मोस्टेट हमारा क्या होता है, कट कर देता है, जिससे हमारा यहां लगा हुआ सीरीज का बल्ब हो, चाहे हमारा मल्टीमीटर हो, चाहे कंटिन्यूटी टेस्टर हो, ये अपने आप क्या करेगा, सप्लाई को कट कर देगा, मतलब बंद कर देगा, और जैसे ही टेम्परेचर सामान्य होगा फिर से सप्लाई को आउट करने लगेगा, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाइट जाने लगेगी। इस प्रकार से हम थर्मोस्टेट को बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये थर्मोस्टेट की पूंछ है, इसको जैसे था हम लगभग ऐसे ही मोड़ के बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही रख देते हैं। इसको बार बार मोड़ने से और सीधा करने से क्या होता है, इसके टूटने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए ही बस लाया गया, इसको किसी फ्रिज में तो हमको लगाना नहीं है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही लाए थे अभी। और देखिए आगे अगर हम इसमें और दिखाएं आपको, ये हमारा हो गया थर्मोस्टेट की चेकिंग। थर्मोस्टेट की चेकिंग के बाद अब हम बात करते हैं, इसमें एक आती है स्विच जिसका नाम होता है डोर स्विच, फ्रिज में लगने वाली जो स्विच होती है, यानी जैसे ही हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं उसके अंदर एक बल्ब जलता है, और जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं फ्रिज का बल्ब बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, मतलब दरवाजे पे। तो वो जो काम करता है स्विच, मतलब फ्रिज में लगे बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, वो ये स्विच करती है, यानी डोर स्विच का कार्य होता है फ्रिज में लगे बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। देखिए शॉर्टकट में अगर हम इसकी बात करें ना, इसमें भी तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होते हैं, कोई भी स्विच हो, स्विच शब्द जब आए समझिए अधिकतम ऐसा होगा कि उसमें तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होते हैं, और स्विच का कार्य क्या होता है, दो पॉइंट को आपस में टच कराना और हटाना, आपस में टच कराना और हटाना। तो देखिए इसके ये दो पॉइंट है, यानी जब ये ऑन होगी तो दोनों सटे होंगे, और जब ये ऑफ होगी मतलब बंद होगी तो दोनों आपस से अलग होंगे, तभी तो ये ऑफ होगी ना। अब देखिए जैसे कंटिन्यूटी से चेक करना इसको बिल्कुल आसान है, ऐसे कंटिन्यूटी के एक को एक पे रखिए और दूसरे को दूसरे पर रखिए। देखिए इस अवस्था में हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर में लाइट दे रहा है, मतलब कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब ये स्विच ऑन है, यानी ये ऑन कैसे है? जैसे देखिए जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो ये स्विच का नोब बाहर निकला होता है, बाहर निकला होता है तो फ्रिज के अंदर लगा हुआ बल्ब जलता है, और जैसे ही अगर नोब को हम दबाते हैं, देखिए यहां से सप्लाई को छोड़ देता है और ये बल्ब हमारा बंद हो गया, छोड़ेंगे बल्ब जलेगा, बंद किए बंद हो गया, देख रहे हैं ना, यानी दरवाजा बंद हुआ तो डोर स्विच की नोब दबी, और नोब दबी तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई को क्या किया, छोड़ दिया, यानी एक पॉइंट से लाइट दूसरे पॉइंट में नहीं जा रही है, मतलब सप्लाई आउट नहीं हो रही है, यानी बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। ऐसे इसको हम सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, सेम हमारा वही प्रोसेस। जैसे मल्टीमीटर के एक तार को देखिए हम दूसरे पर रखें तो यहां डिस्प्ले में देखिए वीप की आवाज भी आ रही है और कुछ नंबर बताने लगा। अब क्या करेंगे, जैसे स्विच को दबाएंगे देखिए सप्लाई छोड़ दिया, एक नंबर आ गया, छोड़ेंगे जैसे ही ये कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए इसको हम सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, चलिए एक बार हम सीरीज से भी इसको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास सोल्डर बल्ब है, सीरीज बनाना भी इतना आसान होता है कि एक तार को एक पॉइंट में जोड़ दीजिए,
यहां से एक तार को एक पॉइंट में जोड़ दीजिए और दूसरे को अभी हम बस नहीं जोड़ेंगे, दूसरे को भी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये सीरीज नहीं रह जाएगा। देखिए इसी को हम टच करवाएंगे तो बल्ब जलेगा ना, यही दोनों पॉइंट है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक हमारे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड है और इस बोर्ड में देखिए पावर है इस टाइम, तो हम क्या करते हैं इस बोर्ड में ये अपने प्लग को लगा देते हैं, पावर को स्विच को इसके ऑन कर देते हैं और देखते हैं इन दोनों को तारों को टच करवाएंगे तो देखिए बल्ब जलेगा, मतलब कंटिन्यूटी आ रही है। हमको क्या करना है, डोर स्विच को चेक करना है, ये डोर स्विच है, रुकिए डोर स्विच को चेक करना है। हम क्या करते हैं, ये जो दोनों तार, ये जो दोनों तार हैं, चलिए हम डोर स्विच को नोब पर बांध देते हैं। देखिए पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी ना एक हाथों से, तो हम क्या करते हैं इसकी नोब को इसी में बांध देते हैं, बांध देंगे एक को एक, मतलब दो वायर हमारे पास है ना, तो एक को एक में बांध दिया हमने और ये जो दूसरा तार है इसको हम दूसरे में बांधेंगे, दूसरे वाले में, तभी तो हम पता चल पाएगा कि ये स्विच ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही है। एक को एक में हमने बांध दिया और दूसरे को दूसरे में हमने इसको लगा दिया इस प्रकार से, देखिए एक को एक में लगा दिया और दूसरे को दूसरे में लगा दिया। अब चलिए हम स्विच को इसको पावर दे देते हैं, ठीक है यहाँ पर हम पावर दे देते हैं, पावर में लगा दिया, स्विच को ऑन कर दिया, देखिए बल्ब जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर डोर स्विच को नोब को दबाएंगे, देखिए बल्ब बंद हो गया, ऑन करें बल्ब जल रहा है, ऑफ किए बल्ब बंद हो गया, ऑन ऑफ मतलब समझ गया ना, यानी दरवाजा खुला तो बल्ब जल रहा है, दरवाजा बंद हुआ तो बल्ब बंद हो गया, ऐसे दरवाजा खुला, तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। देखिए इस प्रकार से हमारी डोर स्विच कार्य करती है, चाहे हम इसको किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, जिस प्रकार से देखिए हम अपनी डोर स्विच को भी किसी तरीके से चेक कर सकते हैं, थर्मोस्टेट को भी, तीनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बस कंटिन्यूटी ही तो जानना है। इस प्रकार से हमारी डोर स्विच कार्य करती है। अब बात रही कि फ्रिज के अंदर लगने वाला बल्ब की, ये देख रहे हैं फ्रिज के अंदर लगने वाला बल्ब है, ये जो बल्ब होता है ये 8 से 15 वाट लगभग ये अधिक प्रयोग किया जाता है, इतने ही वाट का। ये देख रहे हैं ये जो बल्ब है चूड़ीदार बल्ब है, ये बल्ब और भी तरीके के आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ये सिर्फ चूड़ीदार ही बल्ब आते हैं। जैसे देखिए ये एक बल्ब लगा हुआ है ना, देखिए ये इसका होल्डर ऐसा है, ऐसे ही ये अलग अलग कंपनियों में अलग अलग बनावट के हो सकते हैं, लेकिन आप बनावट चाहे जैसी भी हो, इतना छोटा बल्ब है ना फिर भी 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से काम करेगा, मतलब सीधा सीधा भी अगर इस बोर्ड में हम लगा दें 220 वोल्ट वाले में तो ये बल्ब जलेगा। देखिए ये होल्डर पे था ना, इस प्रकार से देखिए ये इसका होल्डर है और ये बल्ब है, ठीक है इस प्रकार से ये कार्य करता है। इसको हमें लगाना है तो देखिए ऐसे चूड़ीदार बल्ब होता है, ऐसे चूड़ियों पे टाइट करके लगा देना इसको, देख ठीक है, देख रहे हैं इसके अंदर का लग रहा है कि बल्ब फ्यूज हो गया है, लेकिन चलिए हम फिर भी इसको जलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये जलता है कि नहीं जलता है, देखते हैं इसको। ये बल्ब देखने में तो लग रहा है कि अंदर से तार टूट चुका है और उल्टा सीधा जुड़ा हुआ भी लग रहा है इधर उधर, तो इसलिए डाउट में है। चलिए हम इसको चालू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओ देखिए इसको लगाते ही फ्यूज हो गया, और इसका कारण क्या था कि ये हमने बताया कि ये तार इसका टूट रहा है, पहले से ही इधर उधर भाग रहा था। देखते हैं ये बल्ब की साइज देखिए अलग थी, ये तीन साइज में टोटल बल्ब आते हैं, अगर तीनों साइज की आप रख लेते हैं तो फिर चाहे कोई भी बल्ब हो कोई भी होल्डर हो आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं तो लग रहा है कि ये इसमें जाएगा नहीं, यहां पे ये इसमें बढ़िया से लगेगा नहीं, और फिर भी अगर ऐसे हमने लगा दिया तो देखते हैं कि ये बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। ये साइज की बात थी, थोड़ा सा बड़ा छोटा की बात है, ये बल्ब नीचे जा रहा है, इसको हम स्विच को ऑन करते हैं, बस इस बल्ब की चेकिंग देखिए बेसिक है कि न्यूट्रल फेस अगर देंगे जलेगा तो सही है, नहीं जलेगा तो खराब है। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाला बल्ब इस साइज का नहीं है, देखिए दोनों बल्बों की साइज, देखिए दोनों बल्बों की साइज में डिफरेंट है, और ये वाला था सही, अभी थोड़ा सा जल करके बंद हो गया, फ्यूज हो गया था क्योंकि तार पहले से टूटा हुआ था, और ये वाला सही है लेकिन ये उसकी साइज का नहीं है। अगर ये सही है, चलिए हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करके दिखाते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। एक को हमने साइड में रखा, दूसरा इसके पीछे रखा, देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब ये बल्ब सही है। देखिए इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट, देखिए अभी ये बल्ब फ्यूज हुआ ना, इसको भी हम चेक करके आपको दिखाते हैं। एक को एक पॉइंट पे रखे, दूसरे को देखिए पिछले पे रख रहे हैं, देख रहे हैं ये बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है। देखिए ये जो जला भी थोड़ा सा ऐसा नहीं कि इस पे डायरेक्ट लगाने से जला, देखिए बीच वाले पीछे पे लगाने पे ये बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन अगर हम इस वाले बल्ब को लगा रहे हैं, ये जो हमारे पास सही बल्ब है इसके पॉइंट पे रख रहे हैं, तो देखिए कंटिन्यूटी भी बता रहा है, मतलब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, मतलब ये बल्ब हमारा सही है। इस प्रकार से हम बल्ब को चेक कर सकते हैं। नॉर्मल है यार, न्यूट्रल फेस दीजिए, अगर बल्ब जला तो ठीक है, नहीं जला तो खराब है। 220 वोल्ट से तो जलता है, कौन सा डीसी करंट है, कौन सा इन्वर्टर या कहीं इसमें रेजिस्टेंस डायोड से होकर के आ गया, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दीजिए और ये बल्ब हमारा क्या होगा, ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। अब बात करते हैं, देखिए अब हमारा ये बल्ब हो गया, बल्ब के बाद हमारा बचता है सबसे बड़ी बात है ये हमारा रिले, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा रिले। ये रिले देखिए हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये रिले हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम चेकिंग की बात करते हैं तो चलिए चेक करते हैं, ये हमारा रिले ओपन टाइप रिले, कौन सा है, ओपन
टाइप रिले। इसको हम ओपन टाइप रिले क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ये जो ऊपर से बाइंडिंग है ना, ये देख रहे हैं तार लपेटा गया, ये जो तार है ना ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम ओपन टाइप रिले के नाम से बोलते हैं। मतलब ये ओपन है, मतलब इसकी बाइंडिंग खुली हुई है, मतलब ये दिखाई दे रही है, इसलिए इसको ओपन टाइप रिले के नाम से बोला जाता है। ये हो गया। अच्छा, ओपन टाइप रिले में पॉइंट की बात करें तार जोड़ने की, है देख रहे हैं एक साइड में पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पोल पॉइंट। क्या बोलते हैं? पोल पॉइंट। मतलब ये क्या कार्य करता है? इसमें फेस की सप्लाई को इन कराया जाता है। और अगर इसके पीछे देखेंगे यहां पे दो छिद्र बने होते हैं, नजदीक दिखाइए, इसके पीछे यहां पे दो छिद्र बने होते हैं जिसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का होता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं होता रनिंग स्टार्टिंग, हाँ मेन और लाइट लिखा होता है इसमें, लेकिन इसमें से लग रहा है कि मिट गया। हम अगर दूसरा रिले दिखाएं तो इसमें दिखाते हैं कि लिखा है कि नहीं। देखिए यहां पे इसमें लिखा है, एक पे लिखा होगा यस और एक पे लिखा है यम, एक पे लिखा है यस और दूसरे पे लिखा है यम। मतलब ये यस का मतलब स्टार्टिंग में जाएगा, यम का मतलब मेन मतलब रनिंग पे जाएगा। लेकिन हाँ, ये इसको हम चेक करें कि यह सही है कि नहीं सही है। तो देखिए अगर हम कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करते हैं तो ये शायद सही नहीं बताएगा। इसको चेक करने के लिए सबसे जरूरी है सीरीज, सीरीज से सबसे अच्छा ये बताता है। क्योंकि देखिए इससे अगर हम एक को पोल पॉइंट पे दे देते हैं, यहां पे एक को हम क्या करते हैं इसके पोल पॉइंट पे लगा देते हैं, ये हमारा पोल पॉइंट हो गया। दूसरे से इन दोनों छिद्रों में हम बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए एक में कर रहे हैं बता रहा है, दूसरे में देखिए चेक कर रहे हैं नहीं बता रहा है। इसका यही नियम है, ये इसका सीधा पोजीशन। यानी अगर इस रिले को चेक करना है तो सबसे पहले रिले को सीधे पोजीशन पे लाइए, यानी ऐसे पकड़िए, और उसके बाद एक जो हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर अगर है तो एक तार को एक पर रख लीजिए कंटिन्यूटी पर, और दूसरे को इन दोनों में बारी बारी से चेक करिए, इन दोनों में बारी बारी से चेक करिए, तो देखेंगे कि ये जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है ये किसी एक में बताएगा और दूसरे में नहीं बताएगा। देखिए एक में नहीं ना बता रहा है यहाँ पे, देखिए और दूसरे में देखिए बता रहा है, एक में नहीं बता रहा है और दूसरे में बता रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 50% सही है, और ये जो बताएगा ना देखिए वाले पे ही बताता है, मेन वाले पे, मतलब जिस पे बताएगा वो रनिंग का पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, अब रिले को पलट देते हैं। देखिए ये पलट देंगे, मतलब ऐसे पलट देंगे, और पलटने के बाद क्या करेंगे, पलटने के बाद फिर उसी तरह से अब इसको इस अवस्था में ये दोनों पे बताना चाहिए। एक पे बताया, दूसरे पे देखिए नहीं बता रहा, बता रहा देखिए यहां पे एक पे बता, दोनों पे बता रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि इस रिले के अंदर जो प्लंजर नाम की पत्ती है वो आपस में टच हो चुकी है, मतलब दोनों सट चुकी है ऐसे। देखिए यहां पे भी बता रहा है और यहां पे भी बता रहा है, लेकिन अगर इसको आप पलट देंगे ना उल्टा ऐसे सीधा पोजीशन पे लाएंगे ना तो सिर्फ एक पे ही बताएगा, दूसरे पे नहीं बताएगा। देखिए एक पे बताएगा, दूसरे पे नहीं बताएगा, एक पे बताएगा, दूसरे पे नहीं बताएगा। इस प्रकार से हम ओपन टाइप रिले को बिल्कुल आसान तरीके से और 100% चेक कर सकते हैं। सीरीज से चेक करेंगे, सेम कंडीशन आएगा, सीरीज के एक तार को साइड में बांध दीजिए और दूसरे तार से इन दोनों छिद्रों में बारी बारी से चेक करिए, किसी एक में बताएगा और दूसरे में नहीं बताएगा पहले, और जिसमें बताया वो रिले का रनिंग पॉइंट होगा। फिर रिले को पलट दीजिए और फिर ऐसे दोनों में चेक करिए, तो इस अवस्था में दोनों वायरों पर कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, और अगर ये बता रहा है तो रिले को हम 100% सही मानेंगे। ये हमारा होता है ओपन टाइप रिले की चेकिंग। अब देखिए ओपन टाइप रिले के बाद अगला रिले हमारा यह है बॉक्स टाइप रिले। बॉक्स के आकार का देखने में लग रहा है ना, यह चौकोर है, बॉक्स के आकार का। इस रिले को भी हम चेक कर सकते हैं, ये रिले खराब है यार कि सही है, कैसे हमको पता चले ये रिले खराब है कि सही है, ये कैसे हमको पता चले? तो देखिए इसमें क्या चेकिंग करना है कि हमने आपको बताया था इसमें तार जोड़ने के लिए पीछे दो पॉइंट होते हैं, जिसमें एक पे लिखा होता है, देखिए यहां पे लिखा है L1, एक पे लिखा होता है यहां पे देखेंगे L1, यहां पे लिखा है L1 और दूसरे पे लिखा होता है यहां पे L2, एक पे है L1 और दूसरे पे L2, देख रहे हैं यहां L1 और L2, ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये तार जोड़ने के लिए होते हैं, मतलब सप्लाई को इन और आउट करवाने के लिए होते हैं। और देखिए आउट करवाने के लिए इसमें ये दो छिद्र बने होते हैं, ये कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग का इसमें पॉइंट होता है, कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। देखिए ये जो बॉक्स टाइप रिले है ना, बहुत पुराने समय के फ्रिजों में यूज किया जाता, आज के फ्रिजों में यूज नहीं किया जाता। ये जो बॉक्स टाइप रिले है ना, ये कई प्रकार में आते थे। देखिए हमने आपको बताया कि कंप्रेसर की पिने कुछ में ऐसे कॉमन वाला नीचे होता है, कुछ में कॉमन वाला ऐसे ऊपर भी होता है, तो ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इसकी बनावट ना कभी कभी दाहिने और बाएं भी होता है कि कॉमन दाहिने है, रनिंग बाएं है, स्टार्टिंग ऊपर है, ऐसे भी होता है। तो ये जो बॉक्स टाइप रिले है ये खरीदते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको कौन सा चाहिए, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग या स्टार्टिंग रनिंग कॉमन या रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, ऐसे अलग अलग में ये अलग अलग आता है। तो ये हमारा कौन सा रिले, बॉक्स टाइप रिले। अब इसकी चेक करना है, चेकिंग के लिए हमने इसको क्या बताया था कि L1 का संपर्क रनिंग से होता है, L1 का संपर्क रनिंग से होता है और L2 का संपर्क कॉमन से होता है। देखिए सबसे पहले L1 का संपर्क हमारा रनिंग से है, मतलब ये L1 का पॉइंट है,
इसका हम एक पॉइंट को L1 पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे L1 पे हमने ये जैसे चलिए हम L2 पे पहले चेक करते हैं, ये L2 है, एक को हम L2 पे रख लेते हैं। ये कंटिन्यूटी टेस्टर हमारा, देखिए यहाँ पे टच करवाने से बल्ब जल रहा है। और दूसरे से इसके तीनों को हम बारी बारी से चेक करेंगे, ये जो दोनों तीनों छिद्र है ना, इनको बारी बारी से चेक करेंगे, देखेंगे कि किसी एक पर बताएगा, देख रहे हैं किसी एक पर बताएगा, और जिस पे बताएगा वो कॉमन का होगा। कहां से बता रहा है? L2 से बता रहा है, मतलब हमें इतना तो पता चला कि जो L2 है उसका संपर्क कामन से है और सप्लाई कामन तक आ रही है। ये कंफर्म हुआ, L2 है उसका संपर्क कामन तक है और सप्लाई कामन तक आ रही है। देखिए ये नीचे के दोनों में नहीं बताएगा, खाली कामन में ही बताएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके एक तार को L1 पे रख लेते हैं, देखिए L1 पे, और L1 से हमारा कहां बताएगा? रनिंग पे। L1 से कहां बताएगा? रनिंग पे। देखिए इस प्रकार से हमने एक पे रख लिया ना, ये यहाँ पे देखिए रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम ऐसे पकड़ लेते हैं इसको, ऐसे हमने इसको पकड़ लिया और तीनों पे हम चेक करेंगे। इस अवस्था में देखेंगे कि ये तीनों पे नहीं, एक पे तो बता दिया पहले ही, जिस पे बता दिया वो रनिंग है, दूसरे पे चेक करते हैं, देखिए एक ही पर बताएगा। पहले हमने L2 से चेक किया तो कॉमन पे बताया, फिर L1 से चेक किया तो रनिंग पे बताया, देखिए L1 से चेक किया तो रनिंग पे बताया, एक पे बता रहा ना। अब हम क्या करेंगे, अब रिले को पलट देंगे। पलटने का मतलब समझते हैं, ऐसे ये सीधा पोजीशन है, इसको पलट देंगे, मतलब भाई इसे नीचे उल्टा कर देंगे, मतलब ये जो हमारा कॉमन का पॉइंट है वो नीचे कर देंगे, और फिर हम L1 से चेक करेंगे। L1 मतलब एक नंबर, मतलब रनिंग वाले से L1 के एक पॉइंट पे हम रख लेंगे यहां पे और दूसरे से चेक करेंगे। इस अवस्था में हमारा नियम क्या है कि प्लंजर नाम की पत्ती रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में टच होनी चाहिए, मतलब दोनों पे बताना चाहिए। तो एक पे हमने चेक किया, देखिए यहां बता रहा है, दूसरे पे चेक करते हैं, देखिए बता रहा है, मतलब रनिंग पे भी बता रहा और स्टार्टिंग पे भी बता रहा, मतलब 100% क्लियर है ये जो हमारा बॉक्स टाइप रिले है, ये 100% सही है, मतलब 60 मार के स्टार्ट भी करेगा, रनिंग पे सप्लाई भी आ रही है और कॉमन भी अपना काम कर रहा है। लगाने का तरीका देखिए, इस पे लिखा होता है टॉप, मतलब ये ऊपर का पोजीशन है, बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ कंप्रेसर जिसमें लगता है उसी में लगेगा, ऐसे बॉक्स बना होगा और इस प्रकार से लगाएंगे, सीधा सीधा बैठ जाएगा, न्यूट्रल फेस दीजिए और चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बॉक्स टाइप रिले को चेक कर सकते हैं। बॉक्स टाइप रिले के अलावा अगर हम बात करें, पीटीसी रिले भी हमारे पास आता है। देखिए ये जो रिले होता है ना, इसकी चेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब नॉर्मली इसको नहीं चेक कर सकते, इसमें कंटिन्यूटी सब कहीं से कहीं जब चेक करते हैं हर जगह बताता है। देखिए जैसे हमने एक साइड में रखा, पहले तो आपको ये बता दें, किसी पिन में ये चार भी होता है, यहां नजदीक से दिखाई, ये चार भी होता है, दो पिन भी हो सकता है, दिखाते हैं आपको। देखिए ये भी चार पिन वाला है हमारे पास, देखिए ये एक पिन वाला है, इसमें एक ही पिन तार जोड़ने के लिए, और ये भी चार वाला है, ये भी एक वाला है, और अभी तो नॉर्मली यही पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए एक ही वाला है, ये दो पिन वाला, देखिए अच्छा ये एक, ये सारे एक पिन वाले हैं, मतलब तार जोड़ने के लिए इसमें एक पिन बनी हुई है, देखिए इसमें एक पिन है, इसमें देखिए दो पिन है, और यहाँ पे देखिए चार पिन है, ये तीन पिन में भी आता है, मतलब एक दो तीन में भी आता है, चार में भी आता है, सब में आता है। तो देखिए अगर इसको हम चेक करना है तो सबसे पहले हम चार को बताते हैं आपको, अगर किसी में चार पिन है, किसी में चार पिन है, तो जो एक साइड की दोनों पिन है, ये दोनों पिन एक होती है, ये दोनों पिन एक होती है, मतलब एक तरफ की दोनों पिनें एक ही होती हैं। देखिए यहां से यहां चेक करेंगे कंटिन्यूटी बता रहा है, यहां से यहां चेक करेंगे कंटिन्यूटी डायरेक्ट बताता है, मतलब ये दोनों पिनें एक होती हैं, ये दोनों पिनें एक होती हैं। अगर हम अगल बगल चेक करते हैं, देखिए इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, यहां नहीं बता रहा, यहां नहीं बता रहा, देख रहे हैं यहां से कहीं से कंटिन्यूटी इधर से उधर नहीं बता रहा, लेकिन अगर एक तरफ का कोई भी दोनों एक चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी यहां भी बता रहा है और यहां भी बता रहा है। इससे यह कंफर्म हुआ ना कि एक तरफ की दोनों पिनें एक होती हैं और दूसरे तरफ की दोनों पिनें एक होती हैं, मतलब जैसे देखिए एक रिले में दो ही पिन है, अगर इसको हम चेक करते हैं तो ये देखिए यहां पे कंटिन्यूटी बता रहा है, देख रहे हैं ना, ये दोनों भी कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट है, एक वाला पिन है तो एक ही पिन है, इसमें हम कहां चेक कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छा सबको देखते हैं, कोई और है, देखिए ये दोनों तरफ बता रहा है, मतलब ये रिले खराब है, जो दोनों तरफ बता रहा है मतलब ये खराब है। अच्छा यहाँ पे इसको चेक करते हैं, जो दोनों तरफ बता रहा है मतलब वो खराब है, देखिए जो दोनों तरफ नहीं बता रहा है मतलब वो सही है। ये दोनों तरफ नहीं बताना चाहिए, दोनों तरफ बताने का मतलब एक कंटिन्यूटी डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, दाहिने से बाएं की तरफ जा रही है। अच्छा ये तो हमारा तरीका है कि एक तरफ का दोनों एक ही होता है। अब इसके अलावा अगर हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं आपको, नंबर में भी ना इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस केवल इधर उधर होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस केवल इधर उधर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा रिले है और इसको हम एक पॉइंट पे यहाँ पे रख लेते हैं और इसको तीनों में यहाँ दोनों छिद्रों में चेक करते हैं। देखिए एक में नहीं बता रहा है, दूसरी तरफ लगाते हैं बता रहा है, मतलब जिधर की पिन पे आप रखेंगे उधर के छिद्र में बताएगा ये। देखिए इधर हमने रखा, मल्टीमीटर भी दिख रहा है,
ऐसे देखिए हमने इधर की साइड में रखा और उधर की साइड में ही चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूटी बता रहा है लेकिन दूसरी साइड में चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। और अगर हम इधर रखते हैं तो देखिए यहाँ पे उस दूसरी साइड में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा लेकिन उसी के साइड में कंटिन्यूटी बताएगा। देखिए इसमें क्या ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक साइड में रखते हैं और दूसरी साइड में कंटिन्यूटी बताता है लेकिन रेजिस्टेंस में डिफरेंट होता है। और एक बात बता दें आपको, अगर आप इसी को सीरीज बल्ब के द्वारा चेक करेंगे, अगर सीरीज के द्वारा चेक करते हैं एक साइड में रख के दूसरे साइड में सीरीज का दूसरा तार लगाएंगे तो सीरीज का बल्ब जलता है। यहां पे सीरीज बल्ब से चेकिंग हमारी फेल हो जाती है। मतलब समझ गया ना, अगर एक तरफ से रख करके उसी के सीध में बताना चाहिए, दूसरी सीध में नहीं ना बताना चाहिए, लेकिन अगर सीरीज से चेक करेंगे तो दोनों में बताता है। मतलब उसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना, जब मैग्नेट बनता है, जब विद्युत की पावर जाती है तो कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट कर लेता है आपस में, तो इस प्रकार से यह दोनों में बताने लगता है। ये जो पीटीसी रिले होता है अधिकतम हमारा खराब होता है। रिले और ओएलपी दो ही चीज हमारी सबसे ज्यादा खराब होती है, एक तो रिले और दूसरी ओएलपी। ओएलपी क्या होती है देखिए, जैसे देखिए ये भी ओएलपी है, ये भी ओएलपी है, देख रहे हैं ये सब ओएलपी है। ओएलपी मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी अधिक लोड होने पर उसकी सुरक्षा करता है। देखिए ये हमारा गिर गया, ये मेन लीड है। चलिए हम इसको एक बार इस ओएलपी को चेक करते हैं, शायद ये ओएलपी खराब है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। इसको हम चेक करने के बाद अपनी दूसरी ओएलपी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक तार को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ओएलपी में तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं, ओएलपी में तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं, एक से इन और दूसरे से आउट करवाना होता है। ये जो एक में देखेंगे ये इतना बड़ा तार निकला हुआ दिख रहा है ना, ये तार हम अलग से नहीं जोड़े, ये तार जब आप ओएलपी को खरीदेंगे तभी लगा हुआ मिलेगा। ये जो तार है जब आप ओएलपी खरीदेंगे तभी लगा हुआ मिलेगा। तो एक तार को हम इस ओएलपी के आउटपुट, ये आउटपुट होता है, किसी को एक में जोड़ देते हैं और दूसरे को हम क्या करते हैं, सीरीज का बल्ब भी तो चाहिए हमको, ये हमारे पास होल्डर बल्ब है। एक तार को देखिए, ये एक तार हमारा है, इसको हम बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं, बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं यानी सप्लाई। और दूसरे तार को हम क्या करते हैं, देखिए बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है, अगर 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 हम यहां पे जोड़ दें तो बल्ब जलेगा देखिए डायरेक्टली, लेकिन यहां पे हम जोड़ेंगे तो अगर ये ओएलपी सप्लाई को आउट करेगी तो बल्ब हमारा जलेगा। यहां पे हम इसको लगा करके जोड़ देते हैं, देखिए यहां पे इसको हम लगा करके जोड़ देते हैं और नॉर्मल अवस्था में अगर ये 50% सही होगी तो सप्लाई को लगाते ही ओएलपी हमारी जल जाएगी यानी ऑन हो जाएगी। जैसे हम इसमें पावर देंगे ये हमारी ओएलपी ऑन हो जाएगी। तो चलिए हम पहले इसको लगा करके देखते हैं कि क्या ये ओएलपी हमारी सही है कि नहीं सही है। तो देखिए यहां पर हमारा हमने पावर लगा दिया, स्विच को ऑन किया, देखिए स्विच को हमने ऑन कर दिया, ये बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, मतलब ओएलपी सही नहीं है, लाइट को आउट ही नहीं कर रही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब ये ओएलपी सही नहीं है। ठीक है, इसको हम चलिए यहां से हटा देते हैं, इसको निकाल देते हैं, दूसरी ओएलपी चेक करेंगे अपनी, कोई दूसरी ओएलपी। ओवरलोड प्रोटेक्टर देखिए हमने पहले ही बता दिया, ये जो गड़बड़ है ना अंदर का, ये जो इसमें पत्ती है वो पत्ती खराब सी लग रही है तो इसलिए ये ओएलपी हमारी खराब है। ठीक है, चलिए ओएलपी हम दूसरी लगा करके चेक करेंगे अपनी दूसरी ओएलपी। और दूसरी ओएलपी लगाते हैं, उससे पहले ये तार थोड़ा सा छील लेते हैं, तार को जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बताया कि ये इस तरह की भी ओएलपी ही है, ये भी ओएलपी है, ये ओएलपी है ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसको हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है। देखिए ये बहुत सारे तरह के हमारी अलग अलग, ये बिल्कुल नई है, देखिए बिल्कुल नई है, तो इसको भी हम चेक कर देते हैं इसी में जला करके। चलिए आज चेक करवा देते हैं आपसे कि ओएलपी को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। तो इसमें जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट होते हैं ना, इसमें दो पॉइंट है, एक ये इनपुट है और ये जो पिन है ना ये आउटपुट है, ये साइड में इनपुट है और ये पिन जो है ये आउटपुट है। देखिए ओएलपी सही है कि नहीं, कंटिन्यूटी जा रही है कि नहीं, आप यहां से कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। एक को एक पर लगाए, दूसरे को दूसरे पर लगाएंगे, कंटिन्यूटी बताएगा, मतलब ये पता चला कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है, मतलब कंप्रेसर चलना चाहिए। लेकिन लेकिन ये पता करना है कि क्या ये गर्म होने पर कंप्रेसर के कट कर पाएगा, अगर वो चेक करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट को देखिए यहां पर हम एक तार में जोड़ देते हैं, हम सीरीज लगा रहे हैं अभी, एक को हमने एक में लगा करके इसको जोड़ देते हैं, बढ़िया से जोड़ेंगे ताकि इसको हम बढ़िया से गर्म करके आज बिल्कुल माचिस या मोमबत्ती की तिल्ली से सहायता से इसको हम गर्म करके आज आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये ओएलपी हीट होने पे कट करती है। और हम गर्म करके देखने की कोशिश करते हैं कि कितना देर जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये सप्लाई को कट करेगी। हमने देखिए यहां पर एक में सप्लाई को जोड़ दिया, इसको दूसरे में हमारे इस पावर को जोड़ना होगा, यानी कि एक जो हमारी मेन लीड आई हुई है इसको जोड़ना होगा। देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बिल्कुल यहां पे भी तार थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो इसको हम
तो देखिए ये OLP का ये जो हमारा मेन लीड है, एक हम OLP के यहाँ पे मेन पॉइंट में जोड़ देते हैं। ये जो पिन होती है ना, ये जो कंप्रेसर के कामन में लगेगा उसमें हम इसको जोड़ देते हैं। इसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं और जोड़ करके आपको हम चालू करके दिखाते हैं। देखिए इस अवस्था में देखिए हमने तार को कहाँ कहाँ जोड़ा है ये देख लीजिए। देखिए एक तो तार को यहाँ पे हमने साइड में जोड़ा है, एक यहाँ पे जोड़ा है, ये हमने सीरीज बना करके जोड़ा है। सीरीज ये हमारा मेन तार है, ये दोनों को भी हम जोड़ देते हैं। ये सीधा सीधा सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब नॉर्मली सीरीज बन गया। अब ये OLP को अगर हम सीरीज को ऑन करेंगे, यहाँ पे सप्लाई को हम ऑन करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, बल्ब को जलना चाहिए। अगर ये OLP सही है तो OLP हमारी सही है, देखिए बल्ब जल रहा है, ठीक है। अच्छा इसको हम अभी जला करके और मोमबत्ती को हम थोड़ा सा लगा लेते हैं, ये गर्म करेंगे और इसको हम गर्म करके देखेंगे कि क्या ये OLP गर्म होने पर सप्लाई को कट करेगी। यानी कि ये OLP लगती कहाँ, इस मोटर को बचाने के लिए ना, कि अगर ये मोटर चलते चलते आवश्यकता से अधिक हीट होता है, गर्म होता है, तो अपने आप सप्लाई को कट कर देना चाहिए, अपने आप इसको बंद होना चाहिए। तो यही हम देखना चाहते हैं कि क्या ये बंद होता है। तो चलिए मोमबत्ती को यहाँ पे लगाते हैं और इसको गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो मोमबत्ती पहले हम यहाँ पे देखिए एक मोमबत्ती रखे हुए हैं इस प्रकार से, इसको हम लगा लेते हैं ताकि ये गर्म हो बढ़िया से, ये जलती रहे। तिल्ली से भी हम गर्म कर सकते हैं, बार बार गर्म करने में प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ पे, अगर हमारी ये जो OLP है ढक्कन की तरह होती है ना, ऐसे गोल वाली, अगर ये OLP होती तो ये बहुत जल्दी गर्म होती है, लेकिन ये वाली जो OLP है ना हमारी, जल्दी गर्म नहीं होती, बड़ा टाइम लगता है इसको गर्म करने में। तो इस प्रकार से देखिए हमने सप्लाई को ऑन कर दिया, बल्ब हमारा जल रहा है और हम क्या करेंगे, इस OLP को हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं। देखिए नजदीक से दिखाइएगा, देखिए OLP को हम गर्म करेंगे और थोड़ी देर गर्म करने के बाद इसको सप्लाई को कट करना चाहिए। यही हम चाहते हैं कि ये सप्लाई को कट कर दे, लेकिन इतना जल्दी नहीं करेगी, ये वाली OLP थोड़ी सी हार्ड गर्म होने पर ही सप्लाई को कट करती है। तो इसको हम सप्लाई देते रहते हैं, देखेंगे एक मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट के अंदर ये गर्म हो जाएगी। अगर देखिए माचिस की तिल्ली से गर्माते तो और दिक्कत होती ना, इसीलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो OLP का कार्य क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी जब इसका लोड ओवर होगा, यानी यह अधिक हीट होगी तो ऑटोमेटिक OLP से किट की आवाज आएगी और ये ऑटोमेटिक बल्ब बंद हो जाएगा। और फिर हम OLP को हटा लेंगे, तो जैसे ही हटा लेंगे थोड़ी देर बाद जब इसका टेम्परेचर सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, अपने आप फिर से देखिए अपने आप फिर से OLP से किट की आवाज आएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। देखिए ये OLP हमारी बंद हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद जैसे इसका टेम्परेचर सामान्य होगा, पुनः अपने आप ये OLP से किट की आवाज आएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। इसको हम फूंक करके थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, यार जल्दी सो जाए। तो ये हमारी OLP इस प्रकार से कार्य करती, देख करके आपने समझ गए। इस प्रकार से आपको तो ये पता चला ना कि हाँ अधिक हीट होने पे सप्लाई को कैसे ये कट करता है। तो हमने सीरीज में लगा करके इसको मोमबत्ती से गर्म करके आपको दिखाया। इस प्रकार से आप किसी भी OLP को चेक कर सकते हैं कि ये गर्म होने पे कट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये तो कट तो कर दी, अब नॉर्मल होने पर सप्लाई को आउट भी कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी तो हमें देखना है कि जब इसका टेम्परेचर सामान्य होगा, मतलब नॉर्मल होगा, तो ये सप्लाई को आउट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए इसमें सप्लाई को आउट करने में ये वाली जो OLP है ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसको ठंडा होगी तभी। और ये जो गोल वाली ढक्कन वाली है ना, चेकिंग में सबसे मस्त, बिल्कुल आसानी से चेक हो जाती है। यानी अगर आपको प्रैक्टिकल करना है ना, तो गोल वाली OLP लेकर के चेक करिए और बिल्कुल आसानी से, मुश्किल 2-3 सेकंड में गर्म होती है, 10-15 सेकंड में ठंडी भी हो जाती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो जैसे इसमें से तेजी से आए, मतलब ये नॉर्मल होगा, टेम्परेचर सामान्य होगा, OLP से किट की आवाज आएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। इसको हम इंतजार करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। प्रैक्टिकल जब हम बच्चों से करवाते थे ना इसी प्रकार से, तो ऐसे ही OLP को लगा के गर्म कर देते थे, और ये ढक्कन वाली जब OLP होती थी, बच्चों से बोलते फूको इसमें, बच्चा फूकता, जैसे ही लड़का फूकता तुरंत बल्ब जल जाता। देखिए जादू है ये, तो जादू वादू कुछ नहीं होता है, ये OLP है। OLP का कार्य ही वही होता है, ज़्यादा हीट होने पर सप्लाई को कट करना और टेम्परेचर सामान्य होने पर सप्लाई को आउट करना। तो अभी तक देखिए ये OLP ठंडी नहीं हुई है, इसको हम इंतजार करते हैं एक मिनट, और जैसे OLP हमारी ठंडी होगी इसके बाद हम फ्रिज में दिखाएंगे कि ये OLP रिले और थर्मोस्टेट, डोर स्विच और ये बल्ब, ये जो सारे इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं ये फ्रिज में लगे कहाँ होते हैं, इसी में हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले सोचते हैं कि इंतजार करते हैं, ये जो हमारी OLP है ये सप्लाई को आउट कर दें, यानी ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर पावर आनी चाहिए, ये OLP से किट की आवाज़ आ जाए। तो अभी तक देखिए ये ठंडा नहीं हुई, यहाँ पे देखिए इसमें करंट भी आ रहा है नीचे की साइड में अगर टच कर रहे हैं तो, और पैर अगर जमीन पे है तो बॉडी अर्थ आने का भी चांस होता है, इसलिए करंट आता है, ये भी ध्यान दीजिए। वैसे एक करंट सप्लाई को छूने से लाइट नहीं मारती, लेकिन अगर नमी में है कहीं पे जमीन पे, या आपका पैर भीगा हुआ है चप्पल, तो टच करेंगे तो लाइट भी मारेगी। तो इसको देखिए अभी हमने यहाँ पे अभी तक ये देखिए नॉर्मल नहीं हुई, ठंडा नहीं हुई।
तो ये हमारी ओएलपी है, देखिए अभी भी ठंडा नहीं हो रही, इसको थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और तब तक हम चलते हैं आपको फ्रिज में दिखाते हैं। देखिए फ्रिज में हमारा क्या है, ये जो फ्रिज है हमारी, इसमें हम ये दिखाते हैं कि इसमें कंप्रेसर मोटर कहाँ लगा है और रिले हमारी लगती कहाँ है, ये ओएलपी हमारी कहाँ लगती है, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, ये जो हमारे सारे इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं ये कहाँ कहाँ लगे होते हैं, तो चलिए हम इसी को दिखाते हैं आपको। तो चलिए यहाँ पर रोक लीजिए। तो देखिए ये हमारी फ्रिज है और फ्रिज में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर मोटर देखिए हमारा यहां पे लगा होता है फ्रिज में, सबसे पीछे ये हमारा मोटर लगा होता है और इसमें ओएलपी और रिले भी लगा होता है। यहां पे इसको फ्लैश लाइट को ऑन कर लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे हमारी फ्रिज है और कंप्रेसर मोटर है और इसमें रिले और ओएलपी यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। यहाँ पे नजदीक से दिखाइए, ये इसमें रिले और ओएलपी, ये देखिए इसके नीचे रिले लगा हुआ है, ये निचले पॉइंट में देखिए रिले है, निकाल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये रिले लगा हुआ है इसमें और ओएलपी इसका यही वाली लगी हुई है, जिस ओएलपी को अभी हमने चेक करके दिखाया कि कट करती है। इसमें देख पाएंगे ये पिन होती है ना, यही कामन के अंदर लगती है, देखिए इस प्रकार से इसमें कामन का पॉइंट ऊपर है। तो सबसे पहले ओएलपी लगाना है और बाद में रिले लगाना है, पहले रिले लगा के ओएलपी लगाएंगे तो नहीं एडजस्ट होगा। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे रिले और ओएलपी हमारा इसमें लगा होता है फ्रिज में। अब देखिए इसके अंदर और पार्ट कहां लगे होते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक पार्ट में रिले, ओएलपी और कंप्रेसर मोटर, ये तीनों पार्ट तो पीछे लगते हैं और जो बाकी के बचते हैं वो आगे लगते हैं। आगे कौन कौन से, थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब, तीन पार्ट लगते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये डोर स्विच है फ्रिज में लगा हुआ है, ये डोर स्विच है और ये जो डोर स्विच इसमें यहां लगा हुआ है ना, बहुत सारे फ्रिजों में आपके यहां भी लग के आ रहा है, कुछ में ये और नीचे होता है, तो ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह होगा ना जहां पे इसका नोब रहे और ये जब जाए, जब हम दरवाजा को बंद करें तो ये दबना चाहिए, और अगर ये दबेगा तभी ये कार्य कर पाएगा। देखिए इसका ये प्लास्टिक का पॉइंट देख रहे हैं ना, यहीं से ये जाता है और इसको दबाता है तब जाके ये सप्लाई को कट करता है, बल्ब ऑफ हो जाता है। अब देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये ऑन ऑफ करने के जैसा बना हुआ है, ये थर्मोस्टेट स्विच होती है यही हमारी, और इसका कार्य क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना। अगर हम इसको अधिक पे कर देंगे तो हमारी अधिक कूलिंग हो जाएगी, इसको जितना कम घुमाएंगे उतना कम कूलिंग करेगी, मतलब जल्दी से सप्लाई को कम पे घुमा देंगे आप तो जल्दी से ठंडा होगा थोड़ा सा, फिर कट कर देगा, कट करेगा थोड़ी देर बंद रहेगा। तो अगर बार बार फ्रिज ट्रिप कर जा रहे तो इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि आपने कूलिंग को कंट्रोलर लगा रखा है, इसको कम पे कर दिया होगा, तो इसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए, पूरा फुल कर देंगे अधिक कूलिंग करेगी, ये थर्मोस्टेट स्विच होती है। अगर हम इसको पार्टों को आपको निकाल करके भी दिखाते हैं कि इसके अंदर जो पार्ट हैं, देखिए यहां पे एक स्क्रू लगा हुआ है, थोड़ा सा रोकिए। तो देखिए ये जो थर्मोस्टेट हमारा वगैरह है इसको हम दिखाते हैं, इसमें एक ही यही स्क्रू बंद है, तो यहां से हम इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम दिखा देते हैं आपको, ये थर्मोस्टेट, डोर स्विच तो हमने दिखाई दिया, थर्मोस्टेट और बल्ब भी दिखा देते हैं। यहां से हमने देखिए इसको खोल दिया और ये जो सप्लाई लगी हुई है, ये जो पिने लगी हुई हैं, यहां से हम चाहें तो इसको निकाल भी देते हैं, बाद में हम इसको लगा लेंगे। इस प्रकार से देखिए इसको निकाल देते हैं, तो आपको इसमें हम दिखा देते हैं इसमें है क्या क्या और कहां पे है। ये हमारी थर्मोस्टेट स्विच है जिसको हमने आपको दिखाया, थर्मोस्टेट स्विच मतलब देखिए ये वही वाली स्विच है ना जिसको हम चेक कर रहे थे अभी, और जिसमें से एक पतली सी पाइप निकली होती है। देखिए इसमें की जो पूंछ है ना थर्मोस्टेट की, यहां पे देखिए थर्मोस्टेट की ये जो पूंछ है थोड़ा सा धुंधला हो रहा है और नॉर्मल होते, देखिए यहाँ से थर्मोस्टेट की पूंछ निकली थी और ये पाइप देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये थोड़ी सी टूट चुकी है, यहीं से निकली हुई थी। और थर्मोस्टेट में इनपुट और आउटपुट, और ये जो दोनों पॉइंट है देखिए बल्ब का है, यहाँ पे देख रहे हैं वही वाला बल्ब लगा हुआ है, होल्डर बल्ब, और ये जो दोनों पॉइंट है न्यूट्रल और फेस, अगर पहुंचेगा तो ये बल्ब जलेगा और नहीं पहुंचेगा तो नहीं जलेगा। तो ये थर्मोस्टेट स्विच और ये बल्ब, बल्ब की रोशनी देखिए यहीं से नीचे की तरफ जाती है तो ये कार्य करता है। तो थर्मोस्टेट स्विच और बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है और डोर स्विच इसका देख लिया आपने यहाँ पे लगा हुआ है, रिले, ओएलपी और कंप्रेसर ये फ्रिज के पीछे लगे हुए। देखिए ये डोर स्विच में कनेक्शन, देखिए यही सारे वायर हैं यहां पे, देखिए दो वायर, तीन वायर यहां दिख रहे हैं, दो वायर यहां दिख रहे हैं और ये हमारी डोर स्विच, ऐसे खींचेंगे ना तो ऐसे निकल जाती है। देखिए ये जो प्लास्टिक देख रहे हैं इसके पीछे डोर स्विच में देखिए ये लॉक बना होता है, इसी लॉक पे ये लगा होता है, तो ऐसे अगर इसको खींचेंगे तो ये निकल जाता है। तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं, एक से इनपुट दूसरे से आउटपुट, ये हमारी है डोर स्विच। तो इस प्रकार से ये हमारे फ्रिज के इलेक्ट्रिक भाग कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर फ्रिज के इलेक्ट्रिक भागों से संबंधित सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करते हैं और इसके अंदर जो वायरिंग हम करते हैं कितने प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट में कहां कहां से जो वायर है, तीन वायर, चार वायर, यानी कुल मिला के इसका फाइनली कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी वायरिंग सीखेंगे। तो किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए, हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए 95111 41 990। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना सहयोग किया, हर बार वापस आकर के देखने के लिए हमारी वीडियो को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।